अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं शेयर कर रही हूँ पनीर भुर्जी की ये रेसिपी। क्या आपके भी घर में अक्सर दूध फट जाता है और फिर समझ में नहीं आता है कि इसका करें क्या? तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसकी भुर्जी बनाना है और सबके लिए सफिशेंट होगा नाश्ता। तो इसके लिए देखिए, मैंने ले लिया है एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, इसमें हम डाल रहे हैं एक बड़ा मीडियम साइज़ का प्याज, इसे मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक, और 3 से 4 हरी मिर्ची। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। और इसको हम फ्राई करेंगे गुलाबी होने तक। बिल्कुल भी इसको ब्राउन नहीं करना है और ना ही जलाना है हमें, तो इसी तरह का हमें चाहिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करिएगा। और ऐड कर देंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर जो कि मैंने घर पे बनाया है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और डाल दिया है इसमें 2 चॉप टमाटर। टमाटर को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है और इसे मिक्स कर लेंगे सारे मसाले टमाटर वगैरह को। और इसमें हमने नमक डाला है तो टमाटर गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसे मिक्स करने के तुरंत बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी फ्रेश मटर। आप इसमें बॉयल मटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मटर को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसे मिक्स कर लेंगे हम और इसे ढककर मैं 2 मिनट के लिए पका लूँगी। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं और हम खोल के देख लेते हैं मटर हमारा गला है या नहीं। तो इसे पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये पनीर है जो कि मैंने फटे हुए दूध से घर पर ही बनाया है। घर पे क्या बनाया है फ्रेंड्स, दूध ही फट गया था तो मैंने इसका बस पनीर बना लिया है। तो बस ये सुबह के नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट और झटपट बन भी जाता है। प्रोटीन से भरपूर ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तो बनता ही है। तो बस यहाँ पर मैंने पनीर को मिला दिया है और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि मटर जो है गला है या नहीं। तो देखिए, मटर कितनी अच्छी तरीके से गल गया है। जैसे कि मैंने कहा था कि मटर को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आप लोगों को अगर तेल की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस हम इसे गार्निश कर देंगे हरे धनिए पत्ते से और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने फ्लेम बिल्कुल भी बंद कर दिया है एंड इसे सर्व कर लेंगे। तो देखिए, हमारी ये झटपट सी पनीर भुर्जी बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग बनी है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।